बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान की आने वाली अगली फिल्म सीता द अवतार, जिसमें करीना सीता का रोल निभाने वाली है, इसकी घोषणा होते ही इसका विरोध चल रहा है। बुधवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भी इसका विरोध किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान हमेशा ही किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी रहती है। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर अपनी फिल्मों को लेकर वह काफी चर्चा में बनी रहती है। इसी बीच अब कई यूजर्स करीना को बॉयकॉट करने की मांग उठा रहे हैं। दरअसल करीना को ट्रोल करे और बॉयकॉट का कारण करीना कपूर की अगली फिल्म में मांगी गई उनकी फीस है। पिछले ही दिनों खबर आई थी कि उन्हें आगामी पौराणिक काल की महाकाथा में माता सीता का किरदार निभाते हुए देखा जाने वाला है। ये बात तो रही करीना की, लेकिन अब तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने तो अपना मोर्चा पूरे बॉलीवुड पर घुमा दिया है। बजरंग दल की ओर से बुधवार को जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा गया है कि बॉलीवुड में हिंदू पौराणिक कथाओं पर चित्रण किया जा रहा है, ये गलत है, इस पर रोक लगाई। ये जिलाधिकारी के माध्यम से सूचना प्रसारण मंत्रालय केंद्रीय वहाँ पे ये एक डेपुटेशन जाएगा, जिसमें हिंदू समाज के देवी देवताओं के ऊपर में जो बॉलीवुड के जिहादी समाज के लोग फिल्में बना रहे हैं। अभी एक फिल्म आ रही है सीता द अवतार, जिसमें करीना कपूर खान वो इसका सीता का रोल निभाने वाली है। ऐसी औरत जिसके बेटे का नाम तैमूर हो और जो अपने आप को जिहादियों की तरह जिहादियों के साथ मिला के हिंदू समाज को गाली देती हो, वो हमारी सीता माँ का रोल कैसे कर सकती है? हमने कलेक्टर साहब को बोला कि अगर ये मूवी बनेगी तो बजरंग दल उसका घोर विरोध करेगा और ये फिल्म बनने नहीं देंगे। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।